झाबुआ में हरदीप सिंह डंग ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक ली, जिसमें डंग ने जिले में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति जानी और वैक्सीनेशन कार्य की प्रगति की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं कि वैक्सीनेशन कार्य में और अधिक सुधार लाया जाए। डंग ने कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, जिले में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए प्रयास किए जाए। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से संपूर्ण जिले में लॉकडाउन लागू किया जाए, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। डंग ने जिले में ऑक्सीजन बेड की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे। डंग ने कहा कि शासन कोविड-19 के बचाव के लिए और रोकथाम के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, जिला प्रशासन को मार्गदर्शन देते रहेंगे। डंग ने कहा कि जिले में सिटी स्कैन की महती आवश्यकता है, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। डंग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करें। शासकीय अस्पतालों के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना की जो पूरे देश को पूरी दुनिया को जो छूकर निकल रही है, उसके तहत हमारा झाबुआ जिला लगातार जो कोरोना की मार को झेल रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान साहब और मोदी जी प्रधानमंत्री जी द्वारा लगातार जो कोशिशें करके इसको कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है, उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ का जो प्रभार दिया गया है, उसमें कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसी सुविधाएँ हॉस्पिटल में मिल सकती है, कहाँ पर क्या कमी है, किसको आगे अच्छी तरह अपन और हैंडल कर सकते हैं, इसके लिए आज यहाँ पर एक क्राइसिस समिति की जो मीटिंग रखी गई थी, उसमें समस्त साथियों ने महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर दिए हैं। और कलेक्टर महोदय भी अभी कल उन्होंने ज्वाइन करा है। और सबसे बड़ी बात है कि CMHO वो भी कोरोना से ग्रसित है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसके बाद जो वर्तमान में जो रिजल्ट निकल के आया है, मैं पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक भूमिका निभाते हुए जो जन जागरण जो एक सामाजिक संस्थाएं करती है, उसी प्रकार एक जो पत्रकार बंधु भी करते हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और कोरोना से अपन कैसे निपटे, ये सब क्यों ना तो ये कोरोना किसी पार्टी का होता, ना किसी समाज का, जाति का होता, ये सबके लिए हमारे लिए चैलेंज है। हम इसको कैसे फाइट कर सकें, उसको हरा सकें। और मेरा मानना है कि जो मैं 2-3 जिले अभी जहाँ पर मीटिंग लेके आया हूँ, उसमें झाबुआ में जो डिफरेंस है वो शहरी क्षेत्रों में दूसरी जगह नज़र आता है, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र को देखने की भी महत्वपूर्ण आवश्यकता इस झाबुआ ज़िले में महसूस होती है, जिसके कारण अभी जो कलेक्टर महोदय हैं उनको जो हमने निर्देश दिए हैं, सांसद जी ने अपने विचार वहाँ पर रखे हैं, जिलाध्यक्ष जी और समस्त समाजसेवियों ने जो वहाँ पर कुल जो बात निकल के आई है कि ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन का उपयोग भी करा जाए, उनको समझाइश दी जाए, क्योंकि वैक्सीन लगाने में जो उनको डर पैदा या गुमराह किया गया है, कहीं ना कहीं वो जो गुमराह हो रहे हैं, ज़्यादा डर पैदा हो गया है कि भाई इससे गलत होगा। कि आपसे चर्चा करने के बाद मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कहाँ से कंट्रोल होता है, क्या व्यवस्थाएं हैं, उसमें अगर कोई कमी है तो उसको तत्काल सुधारने के आदेश मैंने मीटिंग में भी दिए हैं। और अभी मैं खुद देखने जा रहा हूं कहां से होम आइसोलेशन जो व्यक्ति हैं उनको कैसे गाइड किया जाता है, कितनी बार फ़ोन किया जाता है, और अगर उसमें कोई कमी है तो अभी मैं वहां पर देखूँगा, उसमें जो भी सुधार की उनका ईश्वर का सुधार करें। जी आपने बताया, इसको और दिखवाते हैं, अगर कोई और बात हो तो आप बिल्कुल सुझाव दें, क्योंकि एक समाज के महत्वपूर्ण अंग आप हैं और आपके माध्यम से जो भी चर्चा आएगी तो उसको भी हम पॉइंट बनाकर उसको सुधार की पूरी कोशिश करेंगे। नहीं, अब होगा बिल्कुल, आप उसको करना पड़ेगा, चिन्हित करके ये सब करेंगे। नहीं, वो आज अभी नॉलेज में अभी आई है कि रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाए, महावीर करके कोई एक इंडस्ट्री है, वहाँ पर रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाए और कहीं से भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी कुल मिलाकर। इसके लिए जो भी प्रयास, और अभी वर्तमान में मैं जहाँ पर भी गया हूँ, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है,
पर्याप्त है और यहाँ पर भी झाबुआ में भी सब उपलब्धता रहे, इसको पूरी पूर्ति हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपका आईसीयू वार्ड है, उसमें सामान होने से, मतलब होने से पहले ही सामान चोरी होने लग गया है, जैसे कि बिजली भी वहाँ भी नहीं, उसमें जो देखा गया जो कमी थी उसको अभी कलेक्टर उनको चेक कर रहे हैं और आज उसको टेस्ट करेंगे और वो कल से सुविधा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। बनाए जाएंगे और मैं बार बार आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी ताकत बहुत ज़्यादा है, आपसे व्यक्तिगत निवेदन कर रहा हूँ कि आप वैक्सीन लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र वालों को प्रेरित करें, जिससे इस पर कुछ हद तक कंट्रोल हो सके। मास्क लगाने का आह्वान आप करते हैं और मेरी तरफ से भी आपको निवेदन है कि आप और हम सब मिलके ये, क्योंकि न तो ये किसी पार्टी का न तो किसी समाज का है, कोरोना सबके लिए घातक है, इसलिए अपन सब मिलके कितना अच्छा कर सकते हैं। और जहाँ तक सांसद महोदय ने अपने विचार पूरे अच्छी तरह वहाँ पर बताए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हमारे पास आए हैं, अध्यक्ष जी ने पूरे समिति ने बताए, और मेरे लायक जब भी कोई आदेश हो तो आप मार्गदर्शन दें, उसका पूरा पालन करें। बिल्कुल ही आप नहीं, अब कल शाम से आदेश जारी कर दिए, पूरे जिले में ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू रहेगा। बसों में तो पब्लिक रहती है, तो फिर उसमें वो तो फिर जहाँ पर नहीं, नहीं सब पे कंट्रोल कर लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।